क्या ऐश्वर्या राय बच्चन माँ बनने वाली हैं? यानी बच्चन खानदान का वारिस आने वाला है। अगर एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर को सच माना जाए तो ऐश्वर्या राय इस वक्त 3 महीने की गर्भवती हैं और यही वजह है कि उन्होंने रजनीकांत की मेगा स्टारर बजट फिल्म रोबो में काम करने से इनकार कर दिया है। फिल्म रोबो में ऐश्वर्या के काम ना करने की वजह डेट्स प्रॉब्लम बताई जा रही थी। कहा जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर शंकर ने उनसे एक एग्रीमेंट साइन करने को कहा था और 2 साल का वक्त मांगा था। एग्रीमेंट में एक शर्त रखी गई थी कि फिल्म बनने के दौरान ऐश्वर्या अपना परिवार शुरू नहीं करेंगी, लेकिन ऐश्वर्या इस शर्त पर फिल्म में काम करने को राजी नहीं हुई। इस बात से उनके गर्भवती होने की बात को और भी बल मिला है। बहरहाल बच्चन परिवार इस बारे में अभी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है, लेकिन खबर की महानायक का परिवार इस खबर से बेहद खुश है। कुछ ही वक्त पहले ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो और अभिषेक 3 साल के बाद ही, कम से कम 3 साल के बाद ही बच्चों के बारे में सोचेंगे। तब तक वो दोनों ही अपने अपने करियर्स पर ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ तो ऐश्वर्या ने ये बयान दिया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पिछले दिनों में कुछ बड़े बजट की बहुत फिल्म्स को ठुकराया भी है। इनमें से एक है अभिषेक, जॉन इब्राहिम और बॉबी देओल के साथ फिल्म करण जौहर की प्रोडक्शन दरे दोस्ताना। वहीं एक हॉलीवुड की फिल्म जो कि विल स्मिथ के साथ होने वाली थी उसे भी ठुकराया गया है। और यहां तक कि लोगों का ये भी कहना है कि ऐश्वर्या ने ऐसा अपने और अपने होने वाले बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए किया है। कुणाल मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कुणाल, क्या कहेंगे आप? अंशुल, अगर बात की जाए ऐश्वर्या बच्चन की, तो पूरी तरह से जो खबर आ रही है, बार बार 5 या 6 महीने के र्यूमर्स आ रहे थे कि ऐश्वर्या राय गर्भवती है, लेकिन अब जब बात की जाए एक अखबार के हवाले से भी इस तरह की खबर आ रही। हालांकि इस तरह की चर्चा मुंबई की बॉलीवुड में भी चर्चा हो रही है कि ऐश्वर्या राय गर्भवती है, लेकिन अभी तक बच्चन फैमिली की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इस तरह की बात नहीं आई है। कई बार उनसे जानने की जब तक कोशिश की गई है, जब तक जर्नलिस्ट भी कंफर्म करने की कोशिश कर रही है इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक तरफ देखा जाए तो जो फिल्म है लगातार, चाहे वो हॉलीवुड में है चाहे वो फिल्म करण जौहर की फिल्म हो, बहुत कम प्रोजेक्ट कर रही है वो। उनका जो प्रोजेक्ट अभी सरकार है, इसके अलावा जिस तरह से रूमर्स आ रहे हैं कि रोबोट में भी शायद वो काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी सच्चाई की गुंजाइश लगती है। अंशुल, तो क्या हम ये सोचे कुणाल की बच्चन परिवार की ओर से अक्सर इस तरह की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं ये कम ही हुई है, चाहे बात ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी की ही क्यों ना हो, तो क्या हम इसे बहुत बड़ी संभावना मान सकते हैं कि हाँ वाकई वो जरूर गर्भवती हैं? अंशुल, अगर बात की जाए तो लगातार अक्सर ये होता है कि जब भी चाहे उनकी रिंग सेरेमनी की बात हो, शादी की बात हो, हमेशा जो घोषणा है बच्चन परिवार की तरफ से की जाती है वो बिल्कुल लास्ट समय पे की जाती है। बात अगर की जाए तो ये बात आप देख, अगर एक बयान को देखेंगे आप, बच्चन साहब के बयान को देखेंगे, तो बहुत पहले शादी उन्होंने कहा था कि मुझे पोता चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बच्चन फैमिली के अंदर ये बात जरूर है। जब शादी की बात आई थी कि उनके मन में हमेशा पोता हो, और क्योंकि ये परिवार बहुत ही प्यार के लिए जाना जाता है, बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, तो अगर बात की जाए तो कुछ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सारी चीजें जा सकती है।